अपने बच्चों को खुद ही सूरह फातिहा याद करा दीजिए। बोले अरे मौली साहब ये तो बहुत भारी काम है। अपने बच्चों को खुद ही सूरह फातिहा याद करा दीजिए। क्यों? मन अल्लमा आयतन मिन किताबिल्लाह फलहू सवाबुहा मा तुलियत। सिलसिला सही है हदीस नंबर 1335 कि जिसने भी एक आयत अल्लाह की किताब से सिखा दी, जब तक वो आयत पढ़ी जाती रहेगी उसका सवाब मिलता रहेगा। सिर्फ एक आयत। एक आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस अपने बच्चों को सूरह फातिहा खुद ही याद करा दीजिए, ताकि जब तक वो रहेंगे नमाज पढ़ते रहेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा। आप दुनिया से भी चले जाएंगे तो उनके सूरह फातिहा का सवाब आपको मिलेगा। बस मेरे भाइयों, एक हर्फ पर 10 नेकी है। कितनी नेकी है? घर पर 10 नेकी। मन करा हर पर मिन किताब इल्ला फलो बे हसनतुन वल हसनतु बे अशर अमथालिहा ला अकुल अलिफ लाम मिम हर्फुन वलाकिन अलिफुन हर्फुन वलामुन हर्फुन वमीमुन हर्फुन। सुनन तिर्मिज़ी किताब फ़ज़ाइल कुरान 29:10। जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा, कितनी नेकी? नेकी है, 10 गुना तक जाती है। अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है।